नंदीश्वर शिव महापुराण से एक बात सीख कर जाइए। अगर आपको लग रहा है कि दुख समाप्ति नहीं हो रहे, एक बीमारी से उठे दूसरी बीमारी में लग गए, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई दुख आ गया, फिर कोई तकलीफ आ गई, फिर कोई तकलीफ आ गई, बार बार आपको लग रहा है कि दुख पीछा ही नहीं छोड़ रहा, तो नंदीश्वर शिव महापुराण की कथा आपको कह रही है, प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में दो जगह दिए लगाना प्रारंभ कर दो। पहला, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पहला दिया प्रदोष काल में, प्रदोष के दिन बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, और दूसरा दिया अपने दरवाजे की चौखट के बाहर। मतलब अपन बाहर खड़े होंगे, अंदर की ओर दिया नहीं, बाहर की ओर। एक दिया बेलपत्र के नीचे देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना कर कर, हे शिव शंकर, हे गौरी शंकर, हे शिव, आज प्रदोष का दिन, प्रदोष काल में आप भ्रमण के लिए निकलोगे नंदीश्वर के साथ में, ऐसी कृपा करना, आपके लिए मैंने द्वार सजाया है भोलेनाथ, आपकी दृष्टि मेरी चौखट पर भी कर देना, मेरी जिंदगी सवर जाए। इसलिए दो दीप स्मरण करो। हाँ, अच्छा इशारा करा है, उसे समझ गए हो। जिस दिए को आप लगाओगे प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में, एक दिया बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाया है, और दूसरा दिया जब आप घर में प्रवेश करोगे तो राइट हैंड पर ही लगाएं। कौन से हैंड पर लगाएं? राइट हैंड पर। बहुत बहुत साधुवाद आपको दीदी, धन्यवाद।